आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने पास एक गद्यांश है, चलिए पढ़ते हैं। बच्चे और खिलौने का संबंध सदैव से ही रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि खिलौनों के बिना हम बच्चों की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे हम बच्चों को खिलौने खरीद कर दें या ना दें, बच्चे अपने लिए किसी न किसी चीज, चाहे वह टूटे फूटे डिब्बे हो या इसी तरह की अन्य सामग्री, को खिलौने की शक्ल दे ही देते हैं। बच्चों को एकदम छुटपन से ही मुंह से या खिलौनों से अजीबोगरीब आवाजें निकालकर हम बहलाते हैं और बच्चे बहल भी जाते हैं। यही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, खुद भी चीजों को जोड़ तोड़कर खिलौने बनाने में रचनात्मक ऊर्जा का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी यह जरूरी हो जाता है कि बच्चों की इस रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए उन्हें भरपूर मौके दिए जाएं। पहले हम गौर करें कि बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में कौन कौन सी चीजें बनाते हैं। इसके लिए अगर हम अतीत में गोता लगाएं तो बचपन की दुनिया में झांके तो तरह तरह के खिलौनों का खजाना हमारी स्मृति में निकल कर आता है। ढेर सारी माचिस की खाली डिब्बियों को बिल्कुल सरल तरीके से जोड़कर बनती रेलगाड़ी, कागज से बनाई जाने वाली ढेरों चीजें जैसे नाव, हवाई जहाज, तितली, नाग आदि, क्या क्या नहीं बनाते थे इन सब से। यह अपना गद्यांश है और इससे संबंधित प्रश्न है। अतीत में गोता लगाने का अर्थ है अपने पास विकल्प है अतीत में इस तरह के व्यवहार की खोज करना, अतीत के बारे में जानना, अतीत की झील में डुबकी लगाना या अतीत की स्मृतियों को बनाए रखना। तो देखिए, अतीत में गोता लगाने का जो सही अर्थ है वो है कि अतीत में इस प्रकार के व्यवहार की खोज करना। तो यहाँ पे अतीत में गोता लगाने का अभिप्राय यही हो जाएगा, विकल्प नंबर एक। धन्यवाद। क्लासिक्स टू 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।